बहुत तगड़ा पानी है, पहले कभी भी इतने पानी के अंदर गाड़ी नहीं चलाई। ये क्या हुआ गाड़ी? गाड़ी के किसी कलपुर्जे में से ऐसी आवाज हमने कभी नहीं सुनी थी। सो गाइस, जयपुर में पहली बार इस सीजन की भयंकर वाली बारिश हुई है, उसका नजारा दिखाता हूँ आपको। जस्ट अभी मैं निकला हूँ और अच्छी खासी बारिश हो रही है, करीब 2-3 घंटे से बारिश हुई है और जयपुर की स्थिति है 2-3 घंटे के अंदर तो पूरी काया कल्प हो जाती है। रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हो आप रास्ता, काफी पानी भरा हुआ है रोड के ऊपर। वाइपर चला के दिखाता हूँ थोड़ा सा। चलो, सामने से वो एक जीप आती हुई दिखाई दे रही है आपको और जीप में भी इतना पानी है, खींचो पानी बंद नहीं हो जाए। गाड़ी, दूसरी गाड़ी यहाँ से क्रॉस हो रही है, काफी सारा पानी भरा हुआ है। ये रेजिडेंशियल एरिया में इतना पानी भरा हुआ है। देखो, जीप 4x4 है तो इजीली निकल गई। लास्ट टाइम ये वाला नजारा जयपुर के अंदर मैंने तो भाई कम से कम भी नहीं, तो पिछली बार तो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के अंदर तो वैसे ही मालूम नहीं था कि कितना पानी भरा हुआ है, क्या है। उस साइड पे पानी नहीं है, आगे मिलेगा पानी हमारे को, और काफी ज्यादा पानी है और बारिश वापस से चालू हो गई है, अच्छी खासी बारिश। तो थोड़ा सा बारिश में जाओ तो भाई इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, एक तो कोशिश करना कि टू व्हीलर है तो फिलहाल इस बारिश के अंदर थोड़ा सा अवॉइड करना, या पानी थोड़ा सा कम हो जाए तो ही निकलना। और ये तो हर जगह की स्थिति है, जयपुर में हुई है, बॉम्बे में होती है, दिल्ली में होती है, सब जगह की स्थिति है, तो कोशिश यही करना। यहाँ पे एक और बेलिनो खड़ी हुई है साइड के अंदर, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस जिनका कम है भाई उन गाड़ियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ऑफ रोड टाइप की गाड़ियां जो है वो इजीली यहाँ पर निकल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस कम से कम 190 तो होना ही चाहिए, तब जाके ऐसी बारिश में भरे हुए पानी को इजीली आप क्रॉस कर पाओगे। बारिश के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा हम कहीं जाने के लिए निकले थे, तो मैंने सोचा कि इसको लाइव ही कैप्चर कर लिया जाए। ऐसी बारिश के अंदर घूमने का मौका कहाँ मिलता है, सब घर के अंदर ही बैठना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पानी काफी ज्यादा भर जाता है। और मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, आज मेरे भाई है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप बताएं कि बारिश के अंदर क्या एक्सपीरियंस है आपका? बारिश का एक्सपीरियंस तो बचपन से चल रहा है, आज कार थी, पहले साइकिल होती थी, वो टाइम था जब साइकिल ले लेके भागते थे, गलियों में आधा आधा पानी रहता था, आधा आधा पैर डूब जाता था, वो ही नजारा अभी कुछ आपको दिख रहा है। लेकिन उसमें ज्यादा मजा आता था, मजा उसमें आता था। साइकिल की चेन के अंदर कुछ कचरा भी अटक जाता था तो फिर पानी के अंदर रोककर उसको उतारते थे, तब डर भी नहीं रहता था किसी चीज का। लेकिन आज गाड़ी के अंदर थोड़ा सा डर रहता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग मौसम, अलग अलग एज की बात है। उस समय पर बचपन था तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, पानी में कूद जाते थे, छप छपा छप छप करते थे, पर आज गाड़ी से उतर के छप छपा छप तो कर नहीं सकते हैं। अब गाड़ी के अंदर ही जो एंजॉय कर सकते हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर रोड धस गई है पानी के कारण, तो इस वाले रास्ते पे डाइवर्ट हो गया है ट्रैफिक, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी गाड़ी चलाओ तो पहले कोशिश कर लो कि आगे दूसरा जना कोई जा रहा हो उसके पीछे ही आप गाड़ी चलाओ बारिश के अंदर। तो भाइयों, फिर से हम आ चुके हैं एक नई गली के अंदर। देखिए ये कुछ नजारा ऐसा नहीं लग रहा जैसे चाइना में कहीं से बाढ़ आ गई हो, आगे तक की गाड़ियां लाइन से रुकी हुई है। और शायद हमारे आगे वाले अंकल जी ये सोच रहे हैं कि हम जैसा ही कोई आगे चला जाए पहले जा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मगर उनसे ज्यादा कलेजा तो हमें इस ऑटो वाले का भी नहीं लगा, ये भी घूम गया। मगर एक वैगन आ रही है सामने से, तो यहाँ से लगता है थोड़ा सा एक ही स्पीड में गाड़ी को खींचना पड़ेगा। क्या करना है, चलना चाहिए इस नदी में से या एक बार विचार करते हैं, एक बार इस वाली गाड़ी को देख लेते हैं कि पानी कितना है, उस हिसाब से हम हमारी गाड़ी को इस पानी के अंदर निकालेंगे। और एक्टिवा तो डूब चुका है, एक्टिवा तो भाई पूरा डूब गया है, स्विफ्ट भी आई है, स्विफ्ट जा रही है, अब यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। स्विफ्ट वाला भी हमारी तरह सोच रहा है कि हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े। वही वाली बात हो गई भाई, उसका भी कलेजा नाचा और वो भी घूम गया, घूम गया भाई, घूम गया वो, एक्टिवा भी घूम गया। अब सामने से एक आ रही है दूसरी गाड़ी स्विफ्ट, और ये आ रहे हैं धुरंधर अंकल, ये इन्होंने कार लोन पे ले रखी है मेरे ख्याल से। हम भी चलते हैं आज इनके साथ, एसी बंद करके, एसी को ऑफ करते हैं और ऑल्टो निकाल के ले गया, ऑटो जा रहा है, थोड़ा सा रास्ता हमारे को मिले उसके बाद में हम गाड़ी को आगे डालेंगे। खेचो गाड़ी को, ज्यादा बेटर रहेगा। तो गाड़ी हमने लगा दी है यहाँ पर, पानी के झरने में से होते हुए निकल रहे हैं, भगवान का नाम लेकर निकलो और देखते हैं आगे की पोजीशन। खींचो गाड़ी को, काफी ज्यादा पानी के अंदर से गाड़ी होते हुए गुजर रही है और पानी बहुत सारा है भाइयों, बहुत तगड़ा पानी है, पहले कभी भी इतने पानी
अंदर गाड़ी नहीं चलाई। ये क्या हुआ गाड़ी? बहुत ज्यादा पानी है, निकल जाएगा। भगवान 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 भगवान, लगाओ 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 रेस फटाफट से, बस वहीं तक पहुंचनी है, वहीं तक पहुंचनी है। थोड़ा सा भाई गॉड, गाड़ी की आवाज देखकर तो एकदम पूरी की पूरी फट गई थी, लेकिन क्या नहीं पड़ भाई, मैंने गाड़ी घुमाती फटने के चक्कर में, गाड़ी गोल घुमाती है इतने पानी में से भाई दोबारा पानी निकालने की थोड़ी सी रेस देनी पड़ेगी, निकालने की हिम्मत नहीं है सर, क्या कहते आप। एक बार तो इस पानी को देखकर फट गई थी बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी हालत हो गई थी कि ये वीडियो बनाने के चक्कर के अंदर पता लगे कि गाड़ी रुक गई और धक्का मारना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात हम गाड़ी चोरी करके लाए हमारे घर से बिना बताए। बात पता लगती कि गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, कहाँ अटक गए, फोन करके दोबारा से बुलाना पड़ता किसी को, लेकिन भाई बच गए, रेगनार ने इज्जत रख ली, पानी में से निकाल दिया। तो ड्राइविंग ये कर रहे थे, अब ये बताएंगे कि उस समय पे क्या एक्सपीरियंस हुआ था। गाड़ी मैंने कभी इतने पानी में से गाड़ी नहीं निकाली, और ये भी 2008 का वैगन आर मॉडल है जिसके अंदर हमने एसी ऑफ करके गाड़ी निकाली थी, और जो गाड़ी निकली वो लगभग ऐसा लग रहा था जैसे तो कोई मशीन गन चल रही थी। गाड़ी के किसी कलपुर्जे में से ऐसी आवाज हमने कभी नहीं सुनी थी, कंटिन्यूस आवाज आ रही थी, और हमें लग रहा था कि यहाँ हमारा 40,000 का फटका पड़ने वाला है, इंजन सीज होगा और हमारा कोई वीडियो बना के ले जाएगा। और वीडियो हम नहीं डाल पाएंगे क्योंकि हम तो करा रहे होंगे गाड़ी को रिपेयर, लेकिन भाई लेकिन अब इस वाले रास्ते से हम आए थे, लेकिन इस वाले रास्ते से जाने के वापस हम जाने का नहीं सोच सकते। देखो देखो आपको दिखा रहा हूँ मैं एक बार। तो गाइस आपने देखा कि कितने भरे हुए पानी में से हमने वैगन आर को इजीली तो नहीं, थोड़ी सी दिक्कत तो आई, लेकिन फिर भी वैगन आर निकल गई, और उसका सही क्रेडिट जाता है जो ड्राइव कर रहे हैं उनको, क्योंकि उन्होंने अपने क्लच के ऊपर से पैर बिल्कुल नहीं हटाया, तो और क्लच बिल्कुल रिवर्स के अंदर धक्के मार रहा था। इस तरीके की स्थिति के अंदर आपको भी यही करना है, क्लच के ऊपर से पैर बिल्कुल भी नहीं हटाना है, जरा सा भी आपने क्लच के ऊपर से पैर हटाया या रेस थोड़ी सी भी स्लो करी तो पानी अंदर चला जाएगा और गाड़ी उसी जगह ऑन स्पॉट आपकी रुक जाएगी, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और फटाफट से, हाँ इतनी बारिश के अंदर आपके लिए वीडियो बनाया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके के व्लॉग्स आते रहेंगे, और आप भी बारिश को एंजॉय करो और हम भी बारिश को यहाँ एंजॉय करते हैं, क्योंकि बारिश वैसे भी बहुत कम होती है तो लोग बंद करने के लिए दुआ मांगते हैं, और नहीं होती तो चालू कराने के लिए दुआ मांगते हैं। सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं है, पर मौसम को एंजॉय करो।